अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भाई आज जिस बाइक का हम रिव्यू देने वाले हैं उस बाइक में ना गियर है, ना क्लच है, ना किक है, ये तीनों चीजें नहीं है, फिर भी बाइक चलेगी और कैसे चलेगी, क्या स्पेसिफिकेशन है, ये सारी इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, आज जो है हम आपको सुपर पावर की पूरी बाइक, ऑटोमेटिक बाइक का रिव्यू देने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके स्पीडोमीटर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीडोमीटर और डायलर थोड़ा सा चेंज है और इस थोड़ा सा जो है अच्छे डिज़ाइंस में दिया गया है। इसके बाद हम स्पीड की बात करें तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो है आपको सेल्फ स्टार्ट बटन दिया गया है और ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, जिससे आप इजीली जो है बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको ऑरन का और हेडलाइट का हाई बीम, लो बीम, और देख सकते हैं भाई इसमें जो है क्लच मौजूद नहीं है, जिससे आप इजीली जो है बाइक चला सकते हैं। और देख सकते हैं भाई गियर भी मौजूद नहीं है इसमें, और फुल ऑटोमेटिक बाइक है, ईजी टू यूज़ है गर्ल्स वगैरह के लिए और नए जो बाइक डिसेबल पर्सन्स जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बाइक इंट्रोड्यूस करवाई है। और साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर किक भी मौजूद नहीं है, किक का भी कोई सिस्टम नहीं दिया गया, इजी टू स्टार्ट है और इजीली आप स्टार्ट करें और चलाएं। और इंजन की बात करें तो यूरो 2 और यूरो 2 कारपेटर दिया गया है, ऑटोमेटिक है फुली, और 78 सेंटीमीटर जो है क्यूबिक दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है इसमें। और देख सकते हैं इसमें फुली जो है ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है साइड में आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी बड़े जो है हाई क्लास इंडिकेटर दिए गए, जिसमें फ्रंट पे भी आपको लाइट शो होगी, बैक पे भी लाइट शो होगी, और थोड़े से हार्ड प्लास्टिक में और अच्छी क्वालिटी में ये इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे इसमें यहाँ पर। और अगर टंकी की बात करें तो टंकी में डिज़ाइंस थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, और कलर्स वगैरह देख सकते हैं एज़ यूजुअल इन्होंने जो है थोड़ा सा अच्छी डिज़ाइंस में जो है स्टिकर वगैरह ग्राफिक्स चेंज करी है, अच्छी है। और टंकी वगैरह भी हार्ड जो है मटेरियल की लगाई है। सीट की बात करें तो सीट एज़ यूजुअल वही सीट मौजूद हैं जैसे नॉर्मली सुपर पावर 70s बाइक में मौजूद होती है। और अगर जम की बात करें तो जम में भी आपको जो है बड़े अच्छा जम देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक कलर में है और इजीली जो है आप इसको हार्ड और जो है सॉफ्ट भी कर सकते हैं। और चेन कवर दे सकते हैं, चेन कवर भी वही पुराने स्टाइल में 70 स्टाइल में जो है दिया गया है। लुक वाइज देखें तो बहुत अच्छी बाइक बनाई है, और बैक पे भी आप लाइट देख सकते हैं, लाइट जो है बहुत अच्छी लाइट्स में बैक पे लुक दिखने को मिलता है हमें जिसमें। और टायर की अगर बात करें तो 2.50x17 का जो है स्पोर्टी रिम आपको यहाँ पर टायर देखने को मिलेगा, और साइलेंसर भी वही 70 वाला साइलेंसर और हार्ड प्लास्टिक में जो है इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें मरगाट की तो जो है काफ़ी अच्छे मटेरियल का मरगाट लगाया हुआ है, वैसे ही 70 जैसे लुक है उसमें। साइड कवर्स पे भी देख सकते हैं, साइड कवर्स पे भी इन्होंने थोड़ा स्टिकर वगैरह चेंज किया है, SP70 CTI प्रीमियम स्पोर्ट्स के नाम से जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई है। और देख सकते हैं स्पीड जैसे ही दे रहे हैं हम बाइक पे तो ये जो है स्पीड पकड़ रही है, और स्पीड जैसे ही स्लो करेंगे तो वो स्लो ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऐसा नहीं है जैसे 70 बाइक में नॉर्मली होता है कि हम स्पीड दे के छोड़ते हैं तो बाइक चलती रहती है, मगर इस पर यहाँ पर ऑटोमेटिक बाइक में ये कि जैसे आपने स्पीड छोड़ी तो बाइक ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और फिर थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा जो है सारा सिलसिला इसमें मौजूद है। और अगर फ्रंट टायर की बात करें तो 2.25x17 का टायर दिया गया, क्राउन का टायर इसमें मौजूद है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टायर है। और मरगाट भी देख सकते हैं, फ्रंट मरगाट जो है आपको देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर में शाइनी लुक है। और स्पीड का भी जो है आप जंप्स वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी क्रोम जंप्स मौजूद हैं इसमें यहाँ पर। और प्राइस की जो है बात करें हम इस बाइक के हवाले से तो प्राइस जो है बहुत मार्केट में अप डाउन हो रहे हैं, आप लोग जो है कमेंट्स में कहते हैं कि भाई प्राइस ज़रूर बताएं। प्राइस इस वजह से बताते नहीं हैं क्योंकि जो है डेली बेसिस पे जो है प्राइजेस अप डाउन चल रहे होते हैं, तो
इस वजह से जो है प्राइस बता नहीं सकते हैं। अगर आपको प्राइस पूछनी है या कोई भी चीज़ मालूमात करनी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इजीली जो है सारी मालूमात मिल सकेगी वहाँ पर। 70 के अलावा इनके पास बहुत सी बाइक्स मौजूद हैं, CT70 मिल जाएगी, 125 मिल जाएगी, 150 मिल जाएगी आपको, और 49cc मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा बहुत सी चीज़ें मिल सकती हैं। एसन ऑटोज़ पर आएँ आज ही और बुकिंग करवाएं, अपनी बाइक और इजी इंस्टॉलमेंट पे ले जाएं।